आपने मान लीजिए 12वीं पास की है, फिर चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास की हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। हालांकि सॉल्यूशन तो 10वीं के बाद डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स 3 साल का करते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन आपके पास हालांकि होता है जब आप 5 साल की LLB करना चाहते हैं। कानून की पढ़ाई के साथ साथ ही अगर आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके दोस्त सर्कल में, कहीं भी अगर कोई वकील साहब हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पहले ही दिन से आपको वो प्रैक्टिकल चीजें देखना और समझना आपको आसान हो जाता है। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट अगर LLB करना चाहता है, LLB करने के लिए हालांकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 3 साल की लॉ कर लीजिए या 5 साल की लॉ कर लीजिए, आप एडवोकेट, आप मतलब वकील बन जाएंगे, आप अच्छे लॉयर बन जाएंगे। डिपेंड करता है प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हैं। LLB करने से पहले अगर आपकी फैमिली में कोई भी अगर एडवोकेट साहब हैं, आपकी फैमिली से हो, आपके जानकारी में हो, रिश्तेदार में हो, या आपको कोई फ्रेंड हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपको कहीं ना कहीं से एक्सपोजर मिलना शुरू से ही शुरू हो जाएगा, आप प्रैक्टिकली चीजें जानना शुरू कर देंगे। पर उनका क्या, जिनके पास कोई भी वकील आसपास जानकार नहीं है मदद करने के लिए, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो उन सबकी हेल्प करने के लिए हमारे जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहां आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपकी इंटर्नशिप या फिर मान लीजिए प्रैक्टिस कराई जाती है, आप एडमिशन लेते हैं, हमसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं, तो हम विद इन 3 या 5 ईयर जो भी आपका लॉ होगा उसमें आपको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कोर्ट में कैसे खड़े होते हैं और साथ में किस तरह से केसेस को लड़ा जाता है। दोस्तों, आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाइप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाइप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। LLB करने के क्या फायदे हैं, साथ में LLB कैसे की जाती है, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, सरकारी से एडमिशन लें या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लें, ऐसे कई सारे आपके दिल में सवाल आते हैं। और साथ में ये भी सवाल आता है कि आप LLB करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू कैसे करेंगे। क्रिमिनल में प्रैक्टिस करेंगे, सिविल में प्रैक्टिस करेंगे, मैट्रिमोनियल में आप जाएंगे, या फिर चेक बाउंसिंग के केसेस भी बहुत सारे वकील इंडिविजुअल लड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स आपके बन जाते हैं। क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक अलग ही मजा होता है, अलग ही रुतबा होता है। जब कोई वकील बनता है तो उसकी समाज में जो रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी बहुत हाई हो जाती है और अपने आप में अच्छा फील होता है। तो मैं बहुत कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूं आज अपने इस वीडियो में, खास करके उन सभी वकील भाइयों के लिए या फिर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मतलब पहले ही दिन से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट चाहता है LLB करना, जब भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं LLB करना, या आपकी फैमिली चाहती है कि आपको लॉ करवाएं, साथ में ही आपको एडवोकेट बनाएं और फिर आप अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाएं, उसके लिए सबसे पहली शुरुआत आप कैसे करेंगे। आपने मान लीजिए 12वीं पास की है, फिर चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास की हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। हालांकि सॉल्यूशन तो 10वीं के बाद डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स 3 साल का करते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन आपके पास हालांकि होता है जब आप 5 साल की LLB करना चाहते हैं। 5 साल की LLB करने के लिए 12वीं आप पास हो या आपने डिप्लोमा किया है 10वीं के बाद, तो आप LLB कर सकते हैं 5 साल की। 5 साल का टेन्योर होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आप जब एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद आप कानून की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कानून की पढ़ाई के साथ साथ ही अगर आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, आपके दोस्त सर्कल में, कहीं भी अगर कोई वकील साहब हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पहले ही दिन से आपको वो प्रैक्टिकल चीजें देखना और समझना आपको आसान हो जाता है। पर उनके लिए क्या, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया या फिर अभी लॉ कंप्लीट कर ली, पर उनके साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, तो ऐसे में जैसी हम जैसी जो फर्म्स होती हैं, वो सभी पहले ही दिन से आपको प्रैक्टिकली चीजों का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। पहले ही दिन से आपको बताते हैं कोर्ट में कैसे खड़े होना है, कोर्ट में कैसे काम करना है, क्रिमिनल केसेस को आप कैसे लड़ेंगे या सिविल केसेस को आप कैसे लड़ेंगे। हालांकि हमारे पास मैक्सिमम जो इंटर्नशिप करते हैं वो सभी क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए ही मैक्सिमम आते हैं। दोस्तों, जब तक आपकी वकालत है, जब तक आप इस वकालत के पेशे में हैं, मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत डिग्निटी जॉब है।
मतलब कि यू आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, मतलब कि आपके पास जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भरा एक पेशा है ये, जिम्मेदारी से काम करना होता है। ऐसा ही नहीं बस आपने केस लिया और ऐसे ही चलने दिया सिर्फ कुछ पैसे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिम्मेदारी से केस को लड़ना चाहिए। जितना अच्छे से आप केस को प्रेजेंट कर सके उतना अच्छे से केस को प्रेजेंट करें। अब हार और जीत दो अलग अलग बातें हैं, दो वकील लड़ते हैं, वहां पीपी साहब आपके सामने हैं, यहां पर आप अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक तो हारेगा और कोई एक जीतेगा। तो हार से आपको घबराना नहीं चाहिए और जीत का इतना बड़ा श्रेय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपकी जर्नी है ये जो आपकी वकालत फील्ड में आपको मिली है। काले कोर्ट की आप रिस्पेक्ट करें जो आपको काला कोर्ट मिला है, और पूरी डिग्निटी से अपनी इंटर्नशिप को, पूरी डिग्निटी से अपने जो एक्सपोजर दिया है आपके सीनियर्स ने, और पूरी डिग्निटी से अपने पेशे को निभाएं। बहुत ही इज्जत का, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत डिग्निटी के साथ में आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो काबिले तारीफ होती है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है LLB को करने को रिलेटेड, या फिर LLB में एडमिशन लेने के रिलेटेड, या फिर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं लॉ के रिलेटेड, या कोई भी आप जानकारी चाहते हैं कैसे कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, या जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिल आप वहां पे करें, हम आपको कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी लॉ को कंप्लीट करें। कोई भी किसी तरह के सवाल है कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल जरूर पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।